I made this into this. तो मेरे पास पड़ी थी एक बचपन की पुरानी सी फ्रेम जो लगभग खराब हो चुकी थी, इसका कांच भी थोड़ा ढीला हो चुका था। तो मैंने सोचा इसको रीडेकोरेट करके एक क्यूट सी प्यारी सी टेबल के लिए टू डू लिस्ट बनाते हो। सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे ना एक जैसो का कोट लगा दिया है मेरे इस फ्रेम पे। तो इस पर जैसो का कोट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, वॉल प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी वाटर बेस्ड होता है। सो मैंने भी कई बार वो यूज़ किया है क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है, और अब मैंने जैसो खरीद लिया तो मैं सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं। एनी वेज यहाँ पर ना जैसो लगाने के बाद ना मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक चॉक पेंट वाइट कलर का। अगर आपके पास वाइट चॉक पेंट नहीं है ना तो आप यूज़ कर सकते हो वाइट एक्रेलिक पेंट, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर देना, और इससे आएगा आपके पास टेराकोटा इफेक्ट, जो चॉक पेंट के सिमिलर तो नहीं है पर उससे भी मैट इफेक्ट आ रहा है और बहुत कूल लगता है वो भी। एनीवेज यहाँ पे ना वाइट पेंट करने के बाद हमारे पास क्यूट सी फ्रेम तैयार होकर रेडी हो गई है। और फिर मैंने एक निकाला है टू डू लिस्ट का प्रिंट आउट, जो बेसिकली आप गूगल पे सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो उसको मैंने कांच के साइज़ के अकॉर्डिंग निकाला था। अब उसको है ना मैं यहाँ पे जो कांच था वो बहुत गंदा था, उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद ना टेप की हेल्प से मैंने उनको स्टिक कर दिया पेपर को, ताकि वो पेपर हिले नहीं, क्योंकि मैं बोल रही थी ना स्टार्टिंग में ही कांच ढीला हो चुका है। सो बेसिकली कांच को भी मैंने टेप से स्टिक कर दिया था ताकि वो निकले, सिंपल प्लेन सेलो टेप ही ली है मैंने यहाँ पे। और उसके ऊपर अपन यूज़ कर देंगे अपनी टू डू लिस्ट, चिपका देंगे। सो जो टू डू लिस्ट का पेपर था वो मैंने ज़्यादा गाड़ दिया था तो वो छोटा पड़ रहा था, उसको एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे एक स्टिफ पेपर, जो कि वॉलपेपर का पीस था जो कुछ काम नहीं आ रहा था मेरे, उसको मैंने इसके बैग में स्टिक कर दिया ताकि ये थोड़ा स्टिफ हो जाए। सो ये जो मेरी फ्रेम थी ना ये हैंगिंग फ्रेम थी, तो इसका कोई बैक स्टैंड नहीं था, तो बेसिकली उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रूअर यूज़ किया है, और इसके पीछे एक होल थे उसमें मैंने उसको फिक्स करने की कोशिश करी है, और ये फिर बहुत अच्छे से स्टैंड कर रही थी और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी। सो बेसिकली हमारा देसी जुगाड़ था। जो ये हमारी फ्रेम है ना थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी एकदम वाइट वाइट, तो मैंने सोचा अब यूज़ करते हैं सॉफ्ट क्ले और इस पर बनाते हैं क्यूट से प्यारे से फ्लावर्स, जो आजकल बहुत सारे लोग मिरर पे बना रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्यूट लगता है। तो मैंने सोचा अब मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ और मैं अपनी टू डू लिस्ट पे बनाती हूँ क्यूट से प्यारे से फ्लावर्स। तो बेसिकली अलग अलग कलर के मैंने प्यारे प्यारे से फ्लावर बनाना चालू कर दिया था, और मैं कितनी बार प्यारे बोलूँगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट में ये बहुत प्यारे लग रहे थे सच्ची में। और अगर अभी तक आप लोगों ने सॉफ्ट क्ले ट्राई नहीं किया ना तो जल्दी से ट्राई करो, इसका टेक्सचर इतना स्मूथ होता है और इतना सॉफ्ट होता है, और इससे जो आउटकम निकलता है ना वो भी बहुत प्यारा निकलता है। इसके कलर्स भी इतने प्रिटी से हैं ना, इससे अगर आप कुछ भी बेकार सी चीज़ भी बनाते हो ना तो वो भी क्यूट लगती है। नेक्स्ट डे जो भी फ्लावर्स हमने बनाए ना उन्हें हमें अपने फ्रेम पर स्टिक कर देना है, तो मैंने यहाँ पर फेविकॉल से उनको स्टिक कर दिया, और इसके जो दोनों मतलब जो कॉर्नर्स थे उन्हीं पे मैंने फ्लावर्स स्टिक करे, और बाकी पे मैंने ना कुछ क्यूट सी प्यारी सी ना बॉल्स बना दी और उन्हीं को स्टिक कर दिया। सो लास्टली ना ये बहुत प्यारा लग रहा था, अब इसको एक वार्निश का कोट लगा दें ताकि ये ख़राब ना हो, और इस पर मैंने ट्राई भी करके देखा कि ये कैसा लग रहा था। तो इसके लिए मैंने ना यूज़ किए ब्लैक वाइट बोर्ड मार्कर्स, नॉट ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड मार्कर्स, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। सो ये बहुत प्यारा टर्न आउट हुआ, और अगर आप भी कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हैं, अगर आपके पास पुरानी फ्रेम नहीं है तो नई फ्रेम से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सही में बहुत प्यारा लग रहा है। जो ये हमारी फ्रेम थी ना इसकी जो स्क्रू थे वो मैं लगाना भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने वो स्क्रूज भी लगा दिए, और जो हमारी स्क्वायर स्टिक हमने कट करी थी उनको भी फिक्स कर दिया, और हमारी क्यूट सी प्यारी सी फ्रेम तैयार हो गई है टू डू लिस्ट। अब जल्दी से मैं काम करने बैठ रही हूँ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो क्या कर रहे हो, जल्दी लाइक करो। एनीवेज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।